नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। हाथों को नियमित रूप से धोएं, नाक और मुंह को ठीक से ढकें, मास्क के आगे के हिस्से को ना छुएं, सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत साय राज्य में कोविड 19 के मामलों की बढ़ोतरी के दृष्टिगत स्थिति की समीक्षा के लिए वर्चुअल माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान सिचुएशन है, जो वर्तमान हालात है हमारे पास, हमारे सामने जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, एक तो अपने अपने जिले में जैसे पहले भी हमने कहा है कि हमको अपनी कैपेसिटी हर दृष्टि से इन्हांस करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब की बार का जो ये वायरस का अगर हम वो देखें, इंपैक्ट देखें, तो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ये पीछे से भी ज़्यादा चिंता का है, चिंता देने वाला हमारे लिए है। ठीक है, हम लोग अब मेंटली थोड़ा प्रिपेयर है, समाज भी इस बात के लिए प्रिपेयर है, थोड़ा हमको लग रहा है, लोग भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि भैया अब कोविड खत्म तो हो नहीं रहा है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमको अपनी ओर से जो एफर्ट्स डालने हैं, एक पार्ट ये प्लान करना पड़ेगा कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मैं भी एक पूरा स्टेट लेवल के बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको हम प्लान करने की सोच रहे हैं। और शहरी क्षेत्र में जो हमारे शहरी जो हम नगर निकाय में जो चुन करके आए हैं, चाहे वो नगर पंचायत है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो हमारे अब नगर निगम है, यहाँ के जो चुने वो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस अलग से करके दो पार्ट्स में सोच रहे हैं इसको करने के लिए, ताकि सीधे हम उनसे संवाद कर सकें। और उसके साथ साथ में थोड़ा इन्फोर्समेंट वाला जो है, वो मुझे लगता है कि एक अब थोड़ा यह आ गया है कि जहाँ पूरी सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती का अभिप्राय ये नहीं है कि हम चलान काटते रहे, लेकिन हम किसी को सजा देते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग जो है वॉयलेशन कर रहे हैं, बड़े स्केल पर कर रहे हैं, तो वहाँ उन लोगों के उनको थोड़ा सा पूछना जरूरी हो गया। आज की तारीख में ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये बहुत आवश्यक है। सभी जो डिप्टी कमिश्नर्स की मैं बात सुन रहा था, तो उसमें मेन जो हम देख रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन पर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर, प्रधानमंत्री जी ने भी जो सभी मुख्यमंत्री के साथ जो डिटेल में बातचीत की, उनका भी एक ही कहना है। एक तो उन्होंने कह दिया कि फोकस करिए कि टेस्टिंग बढ़ाइए, परवाह नहीं कि नंबर ज्यादा आता, उसको चिंता का विषय है, लेकिन टेस्टिंग बढ़ाने से आपको मालूम पड़ेगा कि संक्रमण कहाँ ज्यादा है, उसके लिए फिर कदम उठाने के लिए आप जो है वो समय पर निर्णय कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में जो नंबर हमारा जो हिमाचल प्रदेश में जो डेथ का बढ़ा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और उसमें बात वही है अल्टीमेटली कि देर से आना हॉस्पिटल और देर से उनका ट्रीटमेंट मिलना, कोमॉर्बिडिटीज और उसके साथ साथ में एज रिलेटेड फैक्टर जो है वो सारे वो इश्यूज हैं उसमें। लेकिन आखिरकार डेथ तो डेथ है, जिसकी मृत्यु हुई वो तो मृत्यु है, उसमें हम एक्सप्लेन करते रहे कि इसकी मृत्यु इस कारण से हुई, उसके कारण। लेकिन जब एक बार वो कोविड पॉजिटिव हो गया, तो लोगों के जहन में, दिमाग में और रिकॉर्ड में, कागज के रिकॉर्ड में भी वो डेथ जो है वो कोविड की ही डेथ मानती है, वजह कुछ भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमको होम आइसोलेशन पर बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से काम करने की जरूरत है, और इसके लिए आप अपने अपने इस पर प्लान कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का न्यूनतम अपव्यय सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70% जांच का लक्ष्य हासिल करने और RT-PCR जांच पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने के लिए 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में मनाने के प्रयास किए जाएं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि वायरस तेज गति से फैल रहा है। उन्होंने सभी जिलों को अपनी बिस्तरों, क्वारंटीन तथा चिकित्सा उपकरणों की क्षमता बढ़ाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं के उल्लंघन में शामिल लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसायियों को भी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए विवश न हो। उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप राज्य में COVID-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही लोगों में इस बीमारी का कोई लक्षण पाया जाता है, उन्हें तुरंत परीक्षण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बिना विलंब से उपचार प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर राज्य में सूखे जैसी स्थिति से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने अपने जिला में सूखे जैसी स्थिति पर नजर रखने और चारे की उपलब्धता की नियमित निगरानी करने को कहा ताकि किसानों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। गत सायं शिमला में मंडी व सोलन नगर निगम के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पार्षद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तथा विकास और जनता के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जिला मंडी के पधर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,355 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 260 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,082 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,22,095 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,49,869 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 68,442 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 62,638 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,593 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।